हेलो आज की क्लास में आपका स्वागत है आज इस फर्स्ट एड की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट एड के दौरान यदि रोगी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना हो या एम्बुलेंस में शिफ्ट करना हो या यदि नज़दीक अस्पताल है तो उसको बिना एम्बुलेंस के भी हम कैसे कैरी करेंगे तो इस वीडियो को आप यदि इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं और मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं ताकि आप वहाँ से वो वीडियो देख सकें तो कैसे शिफ्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है इंजर्ड क्लाइंट का कि किसी भी घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य केंद्र में ले जाने की जो प्रक्रिया है उसे घायल व्यक्ति के परिवहन के रूप में जाना जाता है रोगी के महत्वपूर्ण अंगों को स्थिर करने फिक्स करने और आगे की चोट से रोकने के लिए उपकरणों के साथ ठीक से प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा कर्मियों द्वारा फर्स्ट एडर द्वारा स्थानांतरित किया जाना चाहिए रोगी को स्थानांतरित करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए इन पॉइंट्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंजर्ड पर्सन इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है कि जब रोगी को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसी पोजीशन में ट्रांसपोर्ट करें जिस पोजीशन में उसको रखा जाना चाहिए या रखा गया बार बार उसकी पोजिशन को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए चेंज नहीं करना चाहिए स्पेशली जब फ्रैक्चर हो पूरे परिवहन के दौरान कैजुअलिटी की जो कॉन्शियसनेस है उसका सांस लेने का है तरीका उस सब पर नजर रखनी चाहिए और कोई भी ड्रेसिंग जो की हुई है अगर वहां से ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है तो स्थिति बिगड़ने के संकेत हो सकते हैं तो उन सब पे कंटिन्यू नजर रखनी चाहिए जो भी परिवहन का तरीका आप यूज कर रहे हैं वो सुरक्षित स्थिर और शीघ्र होना चाहिए यानी जल्दी चलने वाला होना चाहिए घायलों को स्थानांतरित नहीं करें मतलब उनको उस समय तक उठाएं या हिलाई डुलाइन नहीं जब तक कि कोई चिकित्सा सहायता एम्बुलेंस वहां तक नहीं आ गई है या और कोई साधन जिससे उस रोगी को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके या फर्स्ट एड या और एडवांस चिकित्सा दी जा सके तब तक उसे नहीं हिलाना चाहिए और पीड़ित व्यक्ति को जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हिला रहे हैं उठा रहे हैं उस सब के बारे में उसको बताएं ताकि उसका सहयोग प्राप्त कर सके अपने आप को भी चोट से बचाने के लिए पीड़ित व्यक्ति को उठाते समय शरीर यांत्रिकी का उपयोग करें फिजिकल मैकेनिक्स का यूज करना चाहिए ताकि आपको खुद को प्रॉब्लम ना हो कमर में दर्द ना हो क्लाइंट को स्थानांतरित करते समय सहायकों की मदद यानी जो भी आसपास लोग खड़े हुए हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हैं और पर इस बात में यहां पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि कमांड करने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए एक व्यक्ति कमांड करे बाकी उसका सहयोग करे और पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करे अब आता है कि हमारे पास जो ये ट्रांसपोर्टेशन के तरीके हैं वो कौन कौन से हैं तो ट्रांसपोर्टिंग के तरीके हैं ह्यूमन लिफ्ट एंड कैरी यानी मनुष्य के द्वारा उठाकर लेके जाना कुर्सी की सहायता से लेके जाना स्ट्रेचर की सहायता से लेके जाना एयरलिफ्ट मतलब एयर एम्बुलेंस की सहायता से सड़क एम्बुलेंस की सहायता से और पानी की नाव एम्बुलेंस के द्वारा भी हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अब एक एक है तो इसका सबसे पहला मेथड है क्रेडल मेथड या पालना विधि इस विधि का उपयोग बच्चों और हल्के रोगियों के द्वारा किया जाता है जैसे कि चित्र में दिखाया हुआ है ऐसे गोद में उठाकर और तेजी से उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है दूसरा आता के के है जो हेल्प की या मदद की साथ चल सकता है तो उसमें हम पीड़ित व्यक्ति को इस प्रकार से पकड़ेंगे अपने साथ ये फर्स्ट है एडर है और ये रोगी है तो इस प्रकार अपने साथ चलाते हुए उसको ले जा सकते हैं नेक्स्ट है कि ड्रैग मेथड इस विधि का उपयोग बेहोश व्यक्ति के लिए किया जाता है और स्पेशली जहां पर जो सीन सेफ्टी है वो नहीं हो मतलब आग और ज्यादा बढ़ने की संभावना हो या और सेकेंडरी एक्सीडेंट होने की संभावना हो तो हम उसे ड्रैग करेंगे इसके लिए पैर से पकड़ के खींचा जा सकता है या कंधों से पकड़ के भी खींचा जा सकता है इसके बाद पिक ए बैक विधि इस विधि का उपयोग एक कॉन्शियस और हल्के मरीज के लिए किया जाता है और इसमें क्लाइंट को ऐसे पीठ पर उठाकर लेके जाया जाता है अगला जो विधि है वो है फायरमैन लिफ्ट एंड कैरी विधि इसमें जो फायरमैन जैसे उठाते हैं उससे उठाकर कर लेके जाते हैं पर इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना वाली बात है कि जो भारी मरीज है उसके लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें वजन कंधे पर रहता है जबकि पीके बैक में थोड़े हल्के मरीज के लिए किया जाता है और इस प्रकार उठाकर उसको सेफ जगह पर या एम्बुलेंस तक पहुंचा दिया जाता है अब आता है कि यदि हमारे पास दो फर्स्ट एडर हो तो दो फर्स्ट एडर हो तो एक तो ह्यूमन क्रच मेथड है जिसमें जो दो फर्स्ट एडर हैं वो दोनों साइड में खड़े होते हैं और रोगी भी जो है वो कॉन्शियस होता है और उसके हाथ दोनों के कंधे पर रहते हैं और इस प्रकार पकड़कर उसको साथ साथ चलाकर सिर्फ जगह पे या एम्बुलेंस तक लेके जाया जा सकता है या अस्पताल में लेके जा सकता है दूसरा है कि जब व्यक्ति जो कॉन्शियस क्लाइंट है परंतु चलने में समर्थ नहीं है बट वो थोड़ी हेल्प ले सकता है जैसे हम कमांड बताएंगे वैसे कर सकता है है परंतु कम सहायता देने में सक्षम है। तो ऐसी विधि में एक हम सीट बनाते हैं टू हैंड सीट जिसमें दो हाथ यहाँ पर नीचे एक दूसरे के पकड़ते हैं और दूसरा हाथ पीछे की ओर होता है एक सीट बन जाती है जिसके ऊपर रोगी बैठता है और उसके बाद उसको ट्रस्ट पर किया जाता है दूसरा है फोरहैंड विधि एक थोड़े भारी मरीज के लिए की जाती है जिसमें चार हाथों का प्रयोग किया जाता है दोनों फर्स्ट एडर्स के इस प्रकार की एक सीट बनाते हैं और उसके ऊपर रोगी बैठता है तथा दोनों कंधों को दोनों फर्स्ट एड के कंधों को पकड़ कर चलता है तो इस प्रकार हम उसको कैरी कर सकते उसके बाद है लेफ्ट हैंड कैरी बाय टू फर्स्ट एडर फोर एंड आफ्टर मेथड इसमें दो फर्स्ट एड होते हैं एक आगे और एक पीछे और इस विधि का उपयोग बेहोश रोगी के लिए किया जाता है और इस प्रकार पकड़ कर उसको जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाता है। अगली विधि है कुर्सी विधि इस विधि में रोगी सचेत होता है यानी कॉन्शियस होता है और एक कुर्सी भी अवेलेबल होती है तो इसमें कुर्सी पर बिठाकर दो फर्स्ट एडर्स आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं और यह है विधि स्पेशली उस समय बहुत उपयोगी रहती है जब दो तीन फ्लोर से नीचे लेकर आना हो रोगी को तो तेजी से इसको लाया जा सकता है और इसमें थकान भी नहीं होती है फर्स्ट एडर्स उसके बाद है कैरी बाय स्ट्रेचर स्ट्रेचर आप सब जानते हैं इस प्रकार का ये लकड़ी का या धातु का या कैनवास का बना हुआ हो सकता है इस पर रोगी को लिटाकर और इस प्रकार शिफ्ट कर सकते हैं तेजी से रोगी को स्ट्रेचर पर लिटाने के लिए परिस्थिति के अनुसार तीन व्यक्ति विधि या कंबल विधि का उपयोग कर सकते हैं तीन व्यक्ति विधि में क्या होता है कि तीन व्यक्ति होते हैं फर्स्ट एडर्स वो उठाते हैं रोगी को और कमांड के साथ उठाया जाता है जैसे एक काउंटिंग करने पर ये फर्स्ट एडर्स बैठ जाते हैं और नीचे हाथ लगाते हैं रोगी के दो बोलने पर उसको उठा लिया जाता है बैठी हुई स्थिति में और तीन बोलने पर खड़े हो जाते हैं यह ज्यादातर उस समय यूज में लेते हैं जब रोगी को ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं होता है स्पेशली रीढ़ की हड्डी में यदि कोई फ्रैक्चर हो तो इसके बाद उसको स्ट्रेचर पर शिफ्ट कर देते हैं दूसरा विधि है ब्लैंकेट मेथड इस विधि में रोगी के नीचे ब्लैंकेट लगाया जाता है या शीट लगाई जाती है और इस शीट को पकड़कर रोगी को ट्रांसफर कर दिया जाता है उसके बाद आता है यदि स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो तो एक मेक शिफ्ट स्ट्रेचर भी बनाया जा सकता है जिसमें एक शीट और दो डंडों की मजबूत डंडे हों चाहे वो लकड़ी के हों चाहे धातु के उनको यूज करके बनाया जा सकता है इसमें इस प्रकार एक डंडा रखेंगे इसको फोल्ड करेंगे और दूसरा डंडा इसके ऊपर रखकर इसको वापस इधर फोल्ड करेंगे तो एक प्रकार का ये मेकशिफ्ट स्ट्रेचर आपके लिए बन जाएगा रोगी को शिफ्ट करने के लिए उसके बाद आता है कि कैरी बाय एयर एम्बुलेंस यह है मरीज को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक ले जाने का सबसे तेज तरीका है इसके अलावा सिंपल एम्बुलेंस 112 सौ बारह जब हम कॉल करते हैं यह है सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली विधि है और जहां पर वाटरवेज़ या जल मार्ग उपलब्ध हैं वहां पर हम बोट एम्बुलेंस का भी उपयोग कर सकते हैं तो ये सारे विधि तरीके आपको पता होने चाहिए जब आप फर्स्ट एड दे रहे थैंक यू यू कैन विजिट माई यूट्यूब चैनल माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ब्लॉगर फॉर मेकिंग योर नोट्स और ट्विटर एट द रेट स्टूडेंट अंडर स्कोर सपोर्ट आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम अंडर स्कोर नर्सिंग धन्यवाद आपका दिन शुभ हो